तो गाइस देखो अभी मैं कर रही हूँ झींगा फिश साफ, आधी हमारी साफ हो चुकी है। तो यूँ उठाई झींगा फिश और ऐसे इसका पीछे का ये पकड़ ले और इसे हल्के हाथ से निकाल ले और इसको ऐसे कर दे साफ। तो यूँ झींगा फिश साफ हो जाती है फिर। और झींगा फिश की जो टेस्ट है ना, अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, बहुत ही टेस्टी होती है झींगा फिश। तो ज़रूर घर पे लाए और झींगा फिश की भाजी बनाए और खाए, झींगा फिश की कड़ी, झींगा फिश की मलाई, तो जो नारियल की दूध होती है ना वो डालकर बनती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। तो आप भी घर पे ज़रूर बनाए और खाए और कमेंट बॉक्स से। आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, देख सकते हो बार बार मैं नाक को ये कर रही हूँ, इसके लिए मेरे हस्बैंड आज खाना बना रहे हैं। तो मैं उनकी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, फिश साफ करके दे रही हूँ उनको ताकि उनको भी आसानी हो जाए इसके लिए। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब भूलो मत।